नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए। गवर्नर जनरल सिंडी कीरो ने आज राजधानी वेलिंगटन में आयोजित एक ऑफिशियल सेरेमनी में उन्हें शपथ दिलाई। क्रिस को लेकर कॉकस का औपचारिक रूप से समर्थन भी हासिल हो चुका है, जिसके बाद अब वो प्रधानमंत्री होने के साथ ही लेबर पार्टी के लीडर भी बन चुके हैं। वो नए प्रधानमंत्री की रेस में एकमात्र ऐसे कैंडिडेट थे जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इस दौरान क्रिस ने कहा कि ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं आगे आने वाले चैलेंजेस और जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी 2017 से ही सत्ता में है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। BBC के मुताबिक न्यूजीलैंड फिलहाल महंगाई और सामाजिक असमानता से जूझ रहा है, जिसके चलते वहां लेबर पार्टी की लोकप्रियता में काफी कमी आई है। क्रिस के सामने यही गिरती लोकप्रियता बड़ी चुनौती होगी। 44 साल के क्रिस हिपकिंस 2008 में पहली बार सांसद चुने गए थे। PM बनने से पहले तक वो पुलिस, एजुकेशन एंड पब्लिक सर्विस मिनिस्टर थे। जेसिंडा अर्डन के इस्तीफे के बाद क्रिस PM बन चुके हैं। हालांकि वो कब तक इस पद पर बने रहेंगे इसकी जानकारी अभी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि न्यूजीलैंड में अक्टूबर 2023 में इसी साल आम चुनाव होने वाले हैं। हिपकिंस के बारे में भी मैं आपको बताऊं, उनका जन्म 1978 में न्यूजीलैंड के हट वैली में हुआ था और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। हिपकिंस ने बाद में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से राजनीति की पढ़ाई की। वो इसी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। वो दो सांसदों के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। क्रिस हिपकिंस को साल 2020 में कोविड महामारी से निपटने के लिए मिनिस्टर बनाया गया था। उस दौरान क्रिस के काम की दुनिया भर में सराहना की गई थी। कोरोना महामारी के 3 साल में न्यूजीलैंड में केवल 2,437 मौतें ही दर्ज की गई हैं। उनको देश में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार की आलोचना के बाद पुलिस मंत्री बनाया गया था। तो ये थी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।